चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग बोलिए सर बोलिए समन संघ के सभी सदस्यों को जय भीम नमो बुधाय। समन संघ क्या है साथियों? यह जो संघ है वो बुद्ध से पहले से चलता था, जिसको हमारे ही दादा परदादाओं ने चलाया था। सभी प्रकार के निर्णय और फैसले संघ के द्वारा ही किए जाते थे और उसका निर्णय ही हम सर्वोपरि माना जाता था। हम सब प्रकार के निर्णय और फैसले संघ के द्वारा संता के में रहने वाले समण समणी कहलाते थे। ब्राह्मण लोग जब भारत आए तो उन्होंने हमारी समण संस्कृति को छिन भिन कर दिया। आज उसी समण संघ को झाड़ पोछ कर अपने समण लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। बुद्ध ने भी बार बार संघ की शरण में जाने को कहा है, संगम शरणम गच्छामि। यह हमारे देश का सबसे पुराना संघ है और केवल हम ही संघी हैं। यही मायने में संघ की परिकल्पना लोगों के लिए लोगों के द्वारा ही संचालित होती है। इसका कोई नेता नहीं होता, इसमें कोई पद या पदाधिकारी नहीं होता, इसमें कोई चंदा पर्ची शुल्क आदि नहीं लिया जाता। सभी समण लोग जन्मजात इसके सदस्य होते हैं। समण संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी? समण संघ हम भारत के लोग वी द पीपल की आज के समय में बहुत जरूरत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के परिवेश में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। धीरे धीरे करके हमारे सभी अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। भारत के गौरवशाली संविधान को विकृत करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमें अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बताने के लिए समण संघ की आवश्यकता है। हमारे महापुरुषों ने तो समाज को संगठित करने की जिम्मेवारी हमें सौंपी थी, लेकिन हो रहा है इसके बिल्कुल उल्टा। आज हम जात पात के अनेकों टुकड़ों में बटे हुए हैं और इसके अतिरिक्त आज 29 लाख संगठन पैदा कर लिए हैं, जिसमें से 4.5 लाख एक्टिव संगठन हैं। हमको इतने टुकड़ों में बांट दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अलग अलग बटकर हम सब कभी अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते। सभी संगठन पिछले 70 सालों से हमारे अधिकार बचाने का दावा करते हैं। हमने उन पर विश्वास किया और उनके पीछे पीछे चल दिए, उनको समय भी दिया और पैसा भी दिया। इसके बावजूद सभी अधिकार जा रहे हैं। हमारे जीवन खतरे में है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खतरे में है। इसलिए हमें आज के परिवेश को ध्यान में रखकर इकट्ठा होना ही होगा, और ये हमारी आवश्यकता भी है और मजबूरी भी। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा है। यह काम संविधान के रहते हुए ही जल्दी से जल्दी पूरा करना है, अन्यथा सब कुछ खत्म है। अब हमें क्या करना है? अब हमें फिर से अपने समण समाज को एकजुट करना है। सबसे पहले स्वयं जुड़ना है और इसके पश्चात अपने सभी समण संगी भाई बहनों को जोड़ना है। यह सिलसिला पिछले मई 2021 से लगातार चल रहा है और पूरे भारत में ही नहीं अपितु संसार के अन्य सभी देशों में रहने वाले समण संगी इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे पहले स्वयं कंसेप्ट को समझना है और पूर्ण समझ कर उसको दूसरों को समझा कर जोड़ना है। इसी क्रम में घर घर जाकर छोटी छोटी मीटिंगें करनी है और जुड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया निरंतर बढ़ानी है। पिछले 9-10 महीनों में साए 8 बजे से रात 10:30 बजे तक जूम मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिससे समण संघ के सदस्यों द्वारा कंसेप्ट को बहुत ही आसान और सही तरीके से बताया जा रहा है। सभी प्रकार के उदाहरण जैसे मधुमक्खी का छत्ता, भैंसों के झुंड, झाड़ियां, चींटियों, ये सब झुंड में रहते हैं तो इनका जीवन बचा रहता है, और अकेले शेर को तो कुत्ते के झुंड भी मार डालते हैं। इसके साथ साथ ही 2 अप्रैल 2000 की घटना और अब किसानों के अधिकारों की घटना को चिन्हित करके बताया जा रहा है कि एकता में कितना बल है। कितना सीधा एवं सरल कंसेप्ट है जो कि सभी को समझने में आ रहा है, परंतु विडंबना है कि हमारे कुछ संगी साथी अपने अहम पद प्रतिष्ठा के कारण इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। जब उनसे बात की जाती है तो वे कंसेप्ट को बहुत ही अच्छा बताते हैं, लेकिन साथ ही वे कहते हैं कि संगठनों को चंदा न देने वाली बात सही नहीं लगती। इसके पक्ष में अनेकों तर्क दिए जाते हैं। हम उनको बार बार यही कहते हैं कि उनको हमारे समाज के अनेकों टुकड़े कर दिए। हमारे महापुरुषों की जयंती हो या चाहे धार्मिक कार्य,
सभी के अलग अलग संगठन बने हुए हैं और सारे के सारे कार्यक्रम अलग अलग करते हैं और हजारों रुपए चंदे के रूप में प्राप्त कर अनाप शनाप खर्च करते हैं, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। इस प्रकार के आयोजन से आखिर हमें हासिल क्या हो रहा है? किसी भी महापुरुष ने नहीं कहा कि उनकी पूजा करो, सभी महापुरुषों का एक ही संदेश है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही सफल हो सकते हैं। जो काम संगठनों को करना चाहिए वो तो उन्होंने किया नहीं। जितने भी महापुरुषों के नाम पर भवन विहार और मंदिर बनाए गए हैं वे सब आने वाले कुछ सालों में जबरदस्ती छीने जाने वाले हैं। जो साथी संगठनों का महापुरुषों की जयंती धार्मिक समारोह कराने हेतु चंदा देने की बात करते हैं तो वे समझ ले कि और 5-7 साल संगठनों को चंदा देकर समारोह कराए जा सकते हैं। उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हम बचेंगे ही नहीं तो महापुरुषों की जयंती कौन मनाएगा? इसलिए बिल्कुल सब समाप्त होने की से अच्छा है कि हम 1-2 साल तक इन कार्यक्रमों को स्थगित कर दे ताकि सारे संगठन भी एकजुट होने की दिशा में सोच सके। महापुरुषों की विचारधारा को बचाना है तो सभी संगठनों को एक करना होगा। यदि उनको इकट्ठा करना है तो 1-2 साल उनको चंदा अवश्य में नहीं देना है क्योंकि वे अपने अहम पद प्रतिष्ठा से वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। यदि उनको इकट्ठा करना है तो उनको चंदा धंधा बंद करना ही होगा। अब उनको कहना होगा चंदा देंगे जब जब सभी संगठन इकट्ठा होकर आओगे तब। फायदा, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज के समय जुड़कर रहने इकट्ठा रहने के फायदे हमें एक दूसरे को बताने पड़ रहे हैं, जबकि इसके फायदे चाहे कोई अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा सभी को भली भांति पता है, परंतु हम अपने निजी स्वार्थ अहम पद प्रतिष्ठा के कारण अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। अब हम आपको सबको अपनी आंखें खोलनी ही होगी ताकि हमारे सारे अधिकार बच जाएं और जो अधिकार चले गए हैं वे सभी मिल जाएं। हम जिंदा रह सकेंगे और अपनी अस्मिता एवं अस्तित्व को बचा सकेंगे। इसलिए मैं अपने सभी संगी भाई बहनों को एक बार पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि अपनी पद प्रतिष्ठा हमको छोड़कर सब एक हो जाए, इकट्ठा हो जाए, खुद जुड़े औरों को जुड़े। इसलिए जुड़ना है, जोड़ना है, जुड़ेंगे जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जो जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जिद जुड़ने की, जुड़ेंगे जिंदा रहेंगे, जुड़ो और जीतो। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि।
साधु साधु साधु।